तो कैसे आप लोग, मैं अंश और आप देख रहे हैं YouTube चैनल अंश टॉकीज। तो आज का ये वीडियो सच में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होने वाला है, बहुत ही ज्यादा एक अलग किस्म का एक वीडियो यहाँ पर होने वाला है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं यहाँ पर इस तरीके का एक वीडियो बना रहा हूँ। वैसे मैं यहाँ पर इस तरीके का वीडियो बनाता नहीं हूँ, मेरे को खुद भी पता नहीं है कि मैं यहाँ पर इस तरीके का वीडियो यहाँ पर क्यों बना रहा हूँ। लेकिन मेरे को लगा कि यहाँ पर मेरा जो ऑडियंस है उन लोगों को यहाँ पर इस तरीके का वीडियो देखना पसंद है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं यहाँ पर अपने चैनल के अंदर हाउ टू टॉक टू गर्ल्स नोमी गर्ल इस तरीके का वीडियोस बनाता हूँ। ये भी बनाता हूँ कि हाउ टू वीडियो कॉलिंग विद गर्ल्स, इस तरीके का मैं यहाँ पर कंटेंट बनाता हूँ। तो मेरे को कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि आप लोग को यहाँ पर इस तरीके का एक कंटेंट पसंद आएगा, तो आज का ये वीडियो मैं यहाँ पर इसी के हिसाब से बना रहा हूँ। तो आज मैं आप लोग को यहाँ पर ऐसे तीन मेथड बताने वाला हूँ दैट हाउ टू गेट रिप्लाई फ्रॉम गर्ल्स ऑन फेसबुक, ठीक है ना। ऐसा हम लोग के साथ ये बहुत बार हो चुका है, हम सिंगल लॉन्डो के साथ, कि हम लोग यहाँ पर गर्ल्स को फेसबुक के अंदर मैसेज करते हैं लेकिन हम लोग को यहाँ पर उनके तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है। कभी कभी अगर हम लोग का यहाँ पर किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छा हो तो यहाँ पर 5 साल के बाद एक बार रिप्लाई हो सकता है, आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को यहाँ पर बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है, बहुत लड़की लोग तो यहाँ पर ब्लॉक ब्लॉक भी कर देती है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो ये सब चीज अलग बात है। तो आज मैं आप लोग को ये चीज बताने वाला हूँ कि आप लोग यहाँ पर किस तरीके से रिप्लाई पा सकते हो गर्ल्स के द्वारा फेसबुक के अंदर। अगर आप लोग उन लोगों को यहाँ पर मैसेज करते हो तो गर्ल्स आप लोग को यहाँ पर रिप्लाई करेगी विद इन 5 to 10 minutes, या फिर जब भी वो लोग यहाँ पर ऑनलाइन रहेगी। तो ये चीज है, इस वीडियो का मुद्दा यहाँ पर यही है। अब मेरे को यहाँ पर आप लोग ये मत पूछना कि मैं इस तरीके का वीडियो यहाँ पर क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर कोई आइडिया नहीं है कि मैं इस तरीके का वीडियो यहाँ पर अचानक से क्यों बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो मत पूछना। अगर आप लोग को यहाँ पर ये वीडियो देखना पसंद नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं और ये वीडियो नहीं बनाऊंगा। या फिर अगर आप लोग को ये पसंद आता है तो फिर तो भाई गाड़ी चलता जाएगा। तो बस ये चीज है। तो तीन मेथड आप लोग को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। अभी आप लोग यहाँ पर बोलोगे तू कौन होता है भाई, तेरा तो मतलब तू कौन है। तो मैं यहाँ पर आप लोग को ये चीज बताना चाहता हूँ कि मैं आप लोग की तरह ही एक सिंगल लौंडा हूं। मेरा यहाँ पर कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन भाई मेरे को यहाँ पर स्कूल लाइफ में मैंने यहाँ पर बहुत लोगों का सेटिंग करवाया था। बड़ा हरामी हो बेटा। तो थोड़ा सा बोल सकते हो कि उस हिसाब से मेरे को यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो के एकदम एंड तक जरूर से देखते रहना। तो फर्स्ट जो मेथड है जिसके सहारे आप लोग यहाँ पर लड़की लोगों के साथ रिप्लाई पा सकते हो फेसबुक के अंदर, मैसेंजर के अंदर, वो यह है कि आप लोग को यहाँ पर मीम्स को शेयर करना पड़ेगा। अभी बहुत लोग मेरे को यहाँ पर ये पूछ सकते हो कि किस तरीके के मीम्स हम लोग यहाँ पर शेयर करें। तो आप लोग को यहाँ पर एक चीज को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि आप लोग यहाँ पर फुटबॉल क्रिकेट इस तरीके का रील्स अगर आप लोग यहाँ पर शेयर करते हो तो बहुत ही ज्यादा ये चांसेस बढ़ जाता है कि वो लड़की नोटिस नहीं करेगी, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर गुस्से में आके वो ब्लॉक भी कर सकती है आपको। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर FBI की तरह, CBI की तरह आप लोग को यहाँ पर उसके प्रोफाइल को अच्छे तरीके से स्टॉक करना है। आप लोग को ये देखना है कि उसको यहाँ पर किस तरीके का कंटेंट पसंद है, उसको यहाँ पर किस चीज में इंटरेस्ट है। बहुत लड़की लोगों का ये इंटरेस्ट होता है मेकअप में, मेकअप ट्यूटोरियल, इन सब चीजों में। तो ऑब्वियसली आप लोग तो उस चीज को यहाँ पर शेयर नहीं कर सकते, अगर शेयर करते हो तो अलग ही केस हो जाएगा। लेकिन आप लोग को यहाँ पर अच्छी तरीके से ये समझना पड़ेगा कि आप दोनों में यहाँ पर कौन सा कॉमन इंटरेस्ट है, कौन सा एक चीज है जो आप दोनों को पसंद है, ठीक है ना। तो आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीज फाइंड आउट करना पड़ेगा। बहुत लड़के लोगों को यहाँ पर खाने का चीजों में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो अगर उसको भी इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर खाने के अकॉर्डिंग पोस्ट को शेयर करो, तो बहुत ही ज्यादा ये चांसेस बढ़ जाता है कि वो जो लड़की है वो आपके उस पोस्ट में रिएक्ट करेगी। और अगर आपका यहाँ पर लक अच्छा हुआ, अगर आपका यहाँ पर किस्मत अच्छा हुआ, तो ये भी हो सकता है कि वो लड़की आपके पोस्ट को शेयर करेगी। तो अगर कोई लड़की आपके यहाँ पर पोस्ट को शेयर करती है तो एक चीज भाई ये समझ लो कि आप लोग का यहाँ पर मिठाई को खरीदने का टाइम हो चुका है और शादी मनाने का टाइम हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा कम समय हम लोग को यहाँ पर ये चीज देखने को मिलता है कि कोई लड़की किसी लड़की का पोस्ट यहाँ पर शेयर कर रही है। तो अगर आप लोग यहाँ पर इस तरीके की चीजों को करते हो तो यहाँ पर 110% मैं आपको बता सकता हूँ कि आप लोग यहाँ पर लड़की लोगों के साथ आसान तरीके से बात कर सकते हो। अगर कोई लड़की आपके यहाँ पर रेगुलरली आके पोस्ट में लाइक कर रही है, हर्ट का वो साइन दे रही है,
या फिर आपके पोस्ट को शेयर करिए, तो आप लोग यहाँ पर आराम से एकदम लड़की लोगों के साथ उसके इनबॉक्स में जाके बात कर सकते हो और चांसेस बढ़ जाता है कि लड़की भी आपके उस रिप्लाई उस मैसेज का रिप्लाई करेगी, क्योंकि उसको ऑब्वियसली उसने यहाँ पर आपके पोस्ट में रिएक्ट किया था, तो उसको नोटिस है कि आपका और उसका इंटरेस्ट सेम है, तो ये चांसेस बढ़ जाता है कि वो आपके मैसेज का रिप्लाई करेगी। अभी बात कर लेते हैं सेकंड टिप के बारे में, सेकंड ट्रिक के बारे में, जो कि आप लोग अगर अप्लाई करते हो तो लड़की लोग आपके मैसेज का यहाँ पर रिप्लाई करेंगे जब भी वो ऑनलाइन आएगी। तो सेकंड मेथड है कि आप लोग को यहाँ पर कुछ हट के ट्राई करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर ये चीज देखा था बहुत जगह पे कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो 90% जो लड़के होते हैं वो यहाँ पर फर्स्ट स्टार्टिंग करते हैं हाई सेंड करके, तो मेरे ख्याल से ये सबसे ज्यादा बकवास एक चीज है मेरे भाई। अगर आप लोग यहाँ पर किसी एक लड़की को फर्स्ट में यहाँ पर हाई लिख देते हो ना, तो आपका तभी पट्टा तो आपका यहाँ पर तभी पत्ता कट गया समझो, क्योंकि यहाँ पर लड़की लोग के डीएम में ऐसे हजारों मैसेज पड़ा रहता है, हाय 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 बेबी हाय ब्यूटीफुल, इस तरीके का ऐसे हजारों मैसेज उनके यहाँ पर डीएम्स के अंदर पड़ा रहता है, तो आप लोग को उनके उन डीएम्स से थोड़ा सा स्टैंड आउट करना पड़ेगा, थोड़ा सा खुद को डिफरेंट बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपने आपके अप्रोच को सही करना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पर स्टैंड आउट किस तरीके से हो सकते हो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्राउड, तो वो चीज करने के लिए आप लोग को यहाँ पर कुछ डिफरेंट मैसेज को सेंड करना पड़ेगा। तो क्या मैसेज सेंड करोगे? ऑब्वियसली एक चीज आप लोग को मैं इस टिप को बताने से पहले एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, कभी भी आप लोग को यहाँ पर क्रिंजी नहीं होना है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर अगर एक मैसेज करके उन लोगों को रिप्लाई नहीं मिलता है तो वो लोग यहाँ पर हजारों मैसेज कर लेते हैं लड़की को, तो ये एक बोल सकते हो एक तरीके का हैरेसमेंट है, आप लोग उस लड़की को यहाँ पर डिस्टर्ब करो, ठीक है ना। तो लड़की तो यहाँ पर आप लोग को रिप्लाई देगी नहीं, आपका जो 1% चांस था वो भी आपका कट जाएगा। तो कभी भी यहाँ पर इस तरीके का हरकत मत करना, लड़की लोग को हजारों मैसेज, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, ये सब चीज मत करना, ठीक है ना। आप लोग परमिशन मांग लो तो आप लोग ये सब चीज कर सकते हो, लेकिन विदाउट परमिशन ये सब चीज मत करना। और मैक्सिमम आप लोग यहाँ पर 2 मैसेज सेंड कर सकते हो, अगर 2 मैसेज सेंड करने के बाद भी लड़की लोग आपको यहाँ पर रिप्लाई नहीं देती है तो समझ जाओ कि वो आपके ऊपर यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप लोग यहाँ पर किसी और प्रजापति को खोज लो, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब चीज आप लोग को यहाँ पर अच्छे तरीके से दिमाग में घुसा लेना है। तो यहाँ पर ये चीज है कि आप लोग यहाँ पर किस तरीके से कौन सा किस तरीके का मैसेज आप लोग यहाँ पर सेंड कर सकते हो लड़की लोगों को, ताकि वो आपके उस मैसेज का रिप्लाई दे। तो आप लोग को यहाँ पर फिर से सेम चीज है कि आप लोग को यहाँ पर उसके प्रोफाइल को अच्छे तरीके से स्टॉक करना है, ठीक है ना। और मैं आपको यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस से ये कहना चाहता हूँ, ऑब्वियसली मैं सिंगल ऑन डाउट, ठीक है ना, लेकिन कैजुअली बोल रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पर आइडिया है कि 90% जो लड़की लोग रहती है ना, उन लोगों को यहाँ पर डॉग्स के साथ, एनिमल्स के साथ बहुत ही ज्यादा लगाव होता है। तो ये मेरे भाई बहुत ही ज्यादा एक यूनिक एक मेथड है, बहुत ही ज्यादा क्या बताओ, एक बहुत ही ज्यादा डिफरेंट एक आइडिया जो कि मैंने यहाँ पर निकाला है कि आप लोग यहाँ पर किस तरीके से लड़की लोगों का रिप्लाई ले सकते हो, पा सकते हो, कि आप लोग को यहाँ पर कुछ इस तरीके का मैसेज सेंड करना है कि हाय, वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ कैंपेन फॉर स्ट्रीट डॉग्स टू फीड देम इन दिस विंटर, इन दिस क्रिसमस सीजन, तो वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट, वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस। तो इस तरीके का आप लोग यहाँ पर एक मैसेज को सेंड कर सकते हो। और या फिर अगर आप लोग यहाँ पर और एक चीज यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर कह देना चाहता हूं कि बहुत लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि वो यहाँ पर उल्टा सीधा इंग्लिश लिख देते हैं, ठीक है ना। तो अगर एक चीज देखो यार, मैं यहाँ पर किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता, मैं यहाँ पर किसी को भी यहाँ पर डाउन नहीं करना चाहता, लेकिन एक चीज आप लोग को यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए कि आप लोग यहाँ पर जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, आप लोग को यहाँ पर उसी लैंग्वेज में लड़की लोगों को मैसेज करना है। अगर आप लोग को यहाँ पर इंग्लिश आप लोग यहाँ पर इंग्लिश मैसेज करने में कंफर्टेबल नहीं हो तो मत करो, ठीक है ना। गलत मैसेज सेंड करने से क्या होता है कि तभी वो एक टर्न ऑफ हो जाता है। तो अगर आप वहां पर उस मैसेज को इंग्लिश में मैसेज को टाइप करने में कंफर्टेबल नहीं हो तो हिंदी में टाइप करो यार, क्या फर्क पड़ जाता है, और हिंदी हम लोग का राष्ट्रीय भाषा है। तो यहाँ पर आप लोग ऑब्वियसली हिंदी में यहाँ पर टाइप कर सकते हो, या फिर अगर आप लोग यहाँ पर इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो ऑब्वियसली इंग्लिश तो आप लोग यहाँ पर टाइप कर ही सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग यहाँ पर एक मैसेज को टाइप कर सकते हो। अगर आप लोग को यहाँ पर ऐसे सेम चीज को हिंदी में लिखना है तो आप लोग यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो कि हम लोग यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन को प्लान किया है, हम लोगों ने यहाँ पर एक कैंपेन रन कर रहे हैं स्ट्रीट डॉग्स के लिए इस विंटर में, उन लोगों को खाना हम लोग प्रोवाइड करेंगे, तो क्या आप हमारे इस
काम में मदद करोगी, क्या आप यहाँ पर इस इवेंट का हिस्सा बनना चाहते हो, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या होगा कि वो लड़की आप लोग को यहाँ पर कुछ ना कुछ तो रिप्लाई करेगी ही करेगी, एकदम 110% 2000% आप लोग यहाँ पर श्योर हो जाओ। या फिर वो लिखेगी कि या आई वॉन्ट टू डू दिस, हाँ मुझे ये करना है, या फिर वो लिखेगी नहीं मैं ये नहीं कर सकती, अभी मैं थोड़ी सी बिजी हूँ। तो यहाँ पर वो इस दोनों आंसर्स में से किसी एक आंसर को देगी, लेकिन आप लोग को यहाँ पर एकदम अच्छा एक टॉपिक मिल जाएगा अपने बात को कंटिन्यू करने का। तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर अपने कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हो बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से। तो अभी हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं थर्ड मेथड के बारे में, जो कि मेरे को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत लोगों को ये एक क्रिंची मेथड भी लग सकता है, बहुत लड़की लोगों को यहाँ पर एक क्रिंची मेथड भी ये लग सकता है। लेकिन देखो यार, हर किसी का सोच तो सेम नहीं होता है, किसी के लिए ये एक क्रिंची मेथड भी हो सकता है, किसी को ये पसंद भी आ सकता है। तो ये आप लोग को एनालाइज करना पड़ेगा कि वो लड़की किस टाइप की है, तो उसके हिसाब से आप लोग को यहाँ पर मैसेज को सेंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप लोग को लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है तो इस चीज को बिल्कुल ट्राई मत करो, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि हाँ वो क्यूट है, स्वीट है, थोड़ा सा पोलाइट है, पोलाइट टाइप की है, तो आप लोग यहाँ पर इस चीज को, इस ट्रिक को आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो थर्ड ट्रिक क्या है? तो थर्ड ट्रिक है, पहले बता देता हूं, क्रिंची ये हो सकता है तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको सेंड करने का। अगर आप लोग को ठीक लगता है तो आप लोग यहाँ पर सेंड करो या फिर मत करो। तो थर्ड मेथड है कि आप लोग को यहाँ पर उस लड़की को ये लिखना है कि आई हैव अ स्पेयर टिकट, ठीक है ना। आई हैव अ स्पेयर मूवी टिकट एंड आई वॉज लुकिंग फॉर अ प्रिटी गर्ल टू गो विथ, सो वुड यू लाइक टू ज्वाइन मी। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इस टाइप का मैसेज को आप लोग सेंड कर सकते हो उस लड़की को। अगर आप लोग को हिंदी में इस चीज को लिखना है तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मूवी का टिकट है, वगैरह वगैरह, कोई भी मूवी का टिकट हो सकता है, और मैं यहाँ पर एक प्रीटी लड़की के साथ यहाँ पर जाना चाहता था, तो क्या आप मेरे साथ यहाँ पर जाना पसंद करोगी। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इस कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हो, आप लोग यहाँ पर इस तरीके के मैसेज को यहाँ पर सेंड कर सकते हो उस लड़की को। तो बहुत ही ज्यादा ये चांसेस हो सकता है कि वो लड़की आपको यहाँ पर यस बोलेगी, या फिर अगर उसको यहाँ पर जाना नहीं होगा तो वो ना बोल देगी, लेकिन ऑब्वियसली आप लोग को फिर से एक कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने का मौका मिल जाता है। तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर इस कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हो और लड़की लोगों के साथ रिप्लाई पा सकते हो फेसबुक के अंदर, फेसबुक के मैसेंजर के अंदर। अभी बात कर लेते हैं फोर्थ और बोनस टिप के बारे में। ये कोई टिप नहीं है, देखो ये मैं आपके भाई के हिसाब से एक चीज आप लोग को यहाँ पर ज्ञान फेंकना चाहता हूं कि ये सब जो चीज है बकवास है मेरे भाई। अगर किसी लड़की को आना होगा तो वो खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी, आप लोग को यहाँ पर किसी भी तरीके का एफोर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपके लक के ऊपर है, अगर आप लोग यहाँ पर मेहनत करके किसी लड़की का रिप्लाई पाना चाहते हो तो आप लोग ऑब्वियसली पा सकते हो, या फिर आप लोग यहाँ पर अपने लक के ऊपर भरोसा करके आप लोग यहाँ पर इंतजार कर सकते हो, क्योंकि भगवान ने यहाँ पर हर किसी के लिए किसी ना किसी को तो बनाया ही है। तो सिर्फ टाइम का खेल है मेरे भाई, टाइम में हर किसी को कोई ना कोई तो मिल जाती है। तो बस ये था वीडियो, होपफुली आप लोग को वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा, बहुत ही ज्यादा एक डिफरेंट काइंड ऑफ ये एक था वीडियो। तो ऑब्वियसली अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर आप लोग यहाँ पर बोर नहीं हो और आप लोग को यहाँ पर इसी तरीके का कंटेंट चाहिए फ्यूचर में, तो आप लोग मेरे को यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लाइक वाइक छोड़ दो, सब्सक्राइब भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग यहाँ पर प्लीज 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 आप लोग यहाँ पर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं इस तरीके का कंटेंट बनाना कंटिन्यू करूं या फिर यही लास्ट है। तो बस ये था वीडियो, होपफुली आप लोग को वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया है, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।